दोस्तों एक बार नदी के ऊपर से कुछ इस तरीके से लकड़ी का ब्रिज बना दिया जाता है ये देखने के लिए कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी कार है जो इस नदी को एकदम आसानी से पार करेगी, वो कार आज हमारे चैलेंज की विनर बन जाएगी। तो दोस्तों इंडिया वाली कार को जरूर देख कर जाना। नंबर 3 पर भेजा जाता है चाइना वाली कार को, जो की एक स्कूल की बस होती है और जैसे इस नदी को पार करने वाली होती है की वो नदी के अंदर गिर जाती है। चलो कोई बात नहीं, अब बारी आती है पाकिस्तान वाली कार की। पाकिस्तान वाली कार आती बहुत स्पीड से है और देखते ही देखते इस नदी को पार कर लेती है, लेकिन जैसे ही नदी के बाहर निकलती है वो उल्टी फुल्टी होकर टूट फूट जाती है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान वालों की किस्मत पहले से ही खराब है और अब बारी आती है हमारे इंडिया वाली कार की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस तिरंगे को दिल से प्यार करते हो तो आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और तो और ना मैं समझूंगा आप इस तिरंगे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और दोस्तों आप देख ही सकते हो हमारी इंडिया वाली कार चल तो बहुत अच्छे तरीके से रही है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी हमारी इंडिया वाली कार एकदम आसानी से इस नदी को पार कर लेती है।